अरे पकड़ ले मेरे को जान, अरे पकड़ ले रे बाबा, चलिए ना पकड़ भैया पकड़ के आदेश पकड़ो, छोड़ो ना भैया, हाँ आगे पीछे से पकड़ लो भैया, आप कहा देखा तो जमीनों भागे लाग है, कोई भरोसा नहीं, आज है कल बताने कहाँ चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम तो बाराबंकी जिले के नए कह डी, हम सब सत्येंद्र कुमार जी से कहना चाहेंगे कि साहब देखिए बाराबंकी जिले के शहर में अवैध पार्किंग बहुत जगह है, लोग बेचारे बहुत परेशान है, कोई सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया था, कोई रोड किनारे खड़ी कर दिया था, बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या है, बेचारा आम आदमी करे तो क्या करे। और अब तो भैया त्योहारों वाला है, दीपावली वाली, धनतेरस आए वाली है, तो भैया अवैध पार्किंग आपको जगह जगह दिख जाएगा। नए कह डी सब सत्येंद्र कुमार जी से हम कहना चाहेंगे कि नगर पालिका को तनिक निर्देशित कीजिए और आप तनिक एक्शन लीजिए और साहब हो सके तो बढ़िया पार्किंग बना दीजिए, हम जगह आपका दिखाई दी थन, यहाँ पर देखा था आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर दाएं बाएं तक सब कब्जा कर रखे। जल्दी वहां से हटो, अब जल्दी वहां से हटो, ये हम नहीं बोले भैया, नगर पालिका बोल रही थी कि देखो भैया यहाँ से जल्दी हटिए, नोटिस भी जारी की थी नगर पालिका ने, बहुत लोगों का नोटिस जारी करी ना भैया, उसके बावजूद लोग भैया जल्दी खाली नहीं करते रहे। अब क्या बताई, यूनिवर्सिटी चौराहे के पास है भैया स्थित उपभोक्ता भंडार वाली जमीन बताई जा रही है, नगर पालिका ने 5/12/2019 को खाली करवाई थी, तब भैया यहाँ पर तत्कालीन डीएम साहब रहे, उनका नाम आदर सिंह, वो आ रहे हैं खाली करावे खातिर, उनके साथ भैया चेयरमैन भी रहे कि जमीन खाली करो भैया, तो उपभोक्ता भंडार वाले आए गए कहीं हमारी जमीन आ भैया, ये कुछ थोड़ी ना होता है, माननीय मंत्री जी ने फोन भी कर दिया था, जब लखनऊ से फोन आओ माननीय मंत्री जी का, तो डीएम साहब कहें चलो ठीक है भैया, फिर मामला कोर्ट में चला गया, जब मामला कोर्ट में गवा 20 नंबर कोर्ट में मामला चला, फिर उसके बाद भैया जो भोक्ता भंडार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन हमारी अपना क्लेम कर रहे थे, वो भैया आरोप सब खारिज हो गया, अब यू बकायदा नगर पालिका लगे फिर से जमीन आ गई, अब भैया जिलाधिकारी अगर चाहे तो यहाँ पार्किंग बन सका था, कोई दिक्कत की बात हो नहीं है, यही खातिर हम नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रंजीत बाबू सासो जी से बातचीत भी करें, वो पूरी जानकारी दें भैया, तनिक सुनो का बताओ तरह जो खाली पड़ी जमीन आपने देखी होगी, आपके कार्यकाल में उसको खाली कराया गया था, ऐसा कुछ मामला था, क्या मामला था पूरा? देखिए ये बहुत बड़ी एक समस्या है नगर की पार्किंग की, और हम इस पर पार्किंग बनवाना चाहते थे, प्रशासन ने भी मदद की थी, जमीन नगर पालिका और डिग्री कॉलेज के द्वारा परिचित की गई जमीन थी। अब यह जमीन भैया जलेश्मा वालन की है, यानी भैया कॉलेज की जमीन है, सरकारी जमीन है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसका अध्यक्ष को यौन डीएम साहब खुदे हैं भैया, तो अब यह मामला कॉलेज और बकायदा नगर पालिका के बीच में है, नगर पालिका भैया कॉलेज से जमीन लीस रहा है, फिर उपभोक्ता वाले क्लेम कर देना है जैसा कि हम बता चुके हैं, बाकी रंजीत बाबू सासो जी की बात सुन लो। जमीन खाली भी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से के कारण ये मतलब जो है सब कार्य नहीं हो सका है, और इसकी पूरी पत्रावली नगर पालिका में उपलब्ध है, आप तो देख लें, कुछ अतिक्रमणकारी भी इसपे मतलब जो है काबिज हो चुके हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस पर पार्किंग बननी चाहिए, हमारी इच्छा है, मैं दुर्भाग्य है कि अपने कार्यकाल में नहीं बनवा पाया इन्हीं कारणवश, लेकिन अब बन जाए। नहीं तो इसमें क्या कोर्ट में ही मामला गया था? हाँ ये 20 नंबर कोर्ट में मामला है, लेकिन इसमें उपभोक्ता का पक्ष खारिज हो चुका है, केवल जिलाधिकारी महोदय अगर चाहें तो हमने अपनी तरफ से लिख करके दे दिया था, अधिकृत कर दिया था, जिलाधिकारी महोदय चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कितनी जमीन है ये टोटल देखी जाए तो? ये 42-43 हजार स्क्वायर फीट है, लेकिन मौके पर समय 20 रह गई है, बाकी 10-12 अतिक्रमणकारी इस पर जो है वो काबिज है, खैर ये प्रशासन का मैटर है, उदरसा देखेंगे। अब नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रंजीत बाबू सासो जी की बात सुनी आपने भैया, उम्मीद कहते हैं कि डीएम साहब भी सुने हुई है भैया, समस्या का समाधान करिए और बाराबंकी जिले में बढ़िया एक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, साहब तनिक देखिए और बकायदा इस समस्या का समाधान कीजिए, बड़ी ट्रैफिक हो जाती है साहब, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है, यहाँ पार्किंग बन जाएगी तो आधे ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और एक तो भैया और हमका जमीन पता चली, यही पूर्व चेयरमैन जी बताओ तो है कि मुगल दरबार के सामने भी एक जमीन है भैया, 4 बीघा कम से कम जमीन होगी, अब वहाँ पर डीएम साहब तनिक ध्यान दें, पहले भैया इस समस्या का समाधान हो, यहाँ पर भैया बन जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी, अगर पार्किंग बन जाती तो, बाकी डीएम साहब जैसा देखें भैया, उम्मीद करते हैं डीएम साहब देखिए एक्शन लें, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शुभ मैसेज को सुन लेके बाद मिलेंगे, इसके बाद आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा।